बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करते हुए साल 2023 में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। उनकी दोनों फिल्में पठान और जवान ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। इसके बाद उनकी तीसरी फिल्म डंकी 22 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी, जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी द्वारा किया गया है। इसी बीच खबर आई पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म सलार भी 22 दिसंबर को ही रिलीज होगी। ऐसे में शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार के बीच जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल एडी मूवी स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आदि पुरुष की असफलता के बाद प्रभास के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म सलार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केजीएफ प्रेम प्रशांत दिल के डायरेक्शन में बनी सलार एक एक्शन थ्रिलर है। पहले मेकर्स ने अनाउंसमेंट की थी कि फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। हालांकि मेकर्स ने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम करने का फैसला लेते हुए रिलीज को पोस्टपोन कर दिया। वही 29 सितंबर को प्रोडक्शन हाउस सोमवाले फिल्म्स ने आखिरकार फिल्म की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी और इसके मुताबिक ये फिल्म शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म डंकी से क्लैश करेगी। इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म जीरो और यश की फिल्म केजीएफ के बीच क्लैश हुआ था, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म जीरो का बहुत बुरा हाल हुआ था। हालांकि इस बार शाहरुख खान की फिल्म डंकी का पकड़ा भारी है, क्योंकि इस वक्त पठान और जवान की सफलता के बाद फैंस के बीच शाहरुख खान को लेकर जबरदस्त क्रेज है। दो बड़े स्टार्स की फिल्म में क्लैश होने से नेगेटिविटी फैलती है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि दो बड़े स्टार्स की फिल्में एक साथ रिलीज हो रही है, लेकिन फिल्म की कमाई के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार के बीच क्लैश होता है तो डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कौन बाजी मार जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ओवरसीज मार्केट की बात करें तो दोनों फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म डंकी प्रभास की फिल्म सलार पर हावी होगी। इसका सबसे बड़ा कारण खुद शाहरुख खान है। विदेशों में शाहरुख खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शाहरुख खान और प्रभास के लेटेस्ट फिल्मों के बारे में। साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 के बाद प्रभास की कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। साहो, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी फिल्मों में अच्छी ओपनिंग करने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। ऐसे में प्रभास को सलार से बहुत उम्मीद है। दूसरी तरफ शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की और 8 महीने के गैप में उनकी 2 फिल्में पठान और जवान रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई के साथ ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब हम बात करेंगे दोस्तों फिल्म डंकी और सलार के स्टारकास्ट के बारे में। फिल्म डंकी के स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में शाहरुख खान, तापसी पन्नू और बोमन इनारी मेन रोल में नजर आएंगे, जबकि सतीश शाह, दिया मिर्जा और विके कौशल भी इस फिल्म में अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन जाने माने निर्देशक राजकुमार हिरानी ने किया है, जिन्होंने पहले मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और PK जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। वही सलार के स्टारकास्ट की बात करें तो इस फिल्म में प्रभास, श्रुति हसन और जगपति बाबू मेन रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। प्रशांत नील इससे पहले KGF Chapter 1, KGF Chapter 2 जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि डंकी और सलार के क्लैश के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डंकी वर्सेस सलार के क्लैश के बारे में आपका क्या कहना है, और दोस्तों बताएगा जरूर कि आप डंकी देखने जा रहे हैं या सलार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।